हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीतू कोहली है और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। और आज जो है मैंने एक्सेप्ट किया है नेल के प्रोडक्ट्स के साथ रिंग कैसे बनाते हैं। सो ये रिंग चैलेंज अभी आजकल आपने ऑनलाइन देखा होगा, काफ़ी चल रहा है। सो इसको आज मैं आपको सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो है प्रोडक्ट एक्रेलिक पाउडर होना चाहिए, हार्ड वाला, हार्ड मोनोमर होना चाहिए और इसके साथ में ही कुछ राइनस्टोन्स। और अगर आपको कलर के साथ प्ले करना है कलर्स और आपका जो है नेल फॉर्म, तो नेल फॉर्म को जो है मैंने नेल अपनी फिंगर के साथ में नाप कर जो है कट कर लिया है। और कट करने के बाद जो मैं इसे देख लूँगी कि मेरी जो रिंग का साइज़ है वो क्या होना चाहिए। हल्का सा जो है मैं टाइट ही रखूँगी क्योंकि मेरी जो फिंगर्स हैं काफ़ी फ्लफ़ी हैं, तो मैं अपनी रिंग के हिसाब से ही फिंगर के हिसाब से अपना रिंग का साइज़ रखूँगी। इसको जो है मैंने इस तरीके से एक साइड में चिपका लिया है। तो जो मेरा नेल फॉर्म है मेरे को देख लेना है लेंथ कितनी जा रही है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम राउंड करके इस पर वर्क करेंगे। सो मैं दूसरी साइड पे वर्क करने वाली हूँ, पेपर के नेल फॉर्म के ऊपर नहीं करूँगी क्योंकि नेल फॉर्म के ऊपर से थोड़ा सा निकालना मुश्किल होता है और हमें इसे राउंड शेप देनी है और इसका जो वर्क होता है काफ़ी फास्ट मोड पे होगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से वर्क करना पड़ेगा। तो ये मैंने हार्ड मोनोमर के साथ जो है आप देख सकते हैं एक्रेलिक पाउडर लेकर और पूरे की पूरी एक लेंथ में लंबी लाइन बना लूँगी। और पहले मैंने सेंटर से स्टार्ट किया है ताकि मेरा जब तक साइड्स मैं कंप्लीट करूँ तब तक जो है मेरा सेंटर ड्राई हो जाए, और बिकॉज़ मुझे सेंटर में से जो है उसे मूव करना है, राउंडेड शेप देनी है इसलिए। और अब जो है इसको धीरे धीरे लेंथ देने के बाद जो है उसे हटाना स्टार्ट करूँगी। सो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अब जो है मैंने उसे बहुत धीरे से रिमूव कर लिया। अगर आपके पास ये नेल फॉर्म नहीं है या नेल फॉर्म की बैक साइड का ग्लेज पेपर नहीं है, सो यू कैन डू वन थिंग, आप फॉइल पेपर पे भी वर्क कर सकते हैं। बट ध्यान रखना कि आपका फॉइल जो है मुड़े ना कहीं भी, लाइक जैसे उसमें रिंकल्स आ जाते हैं, तो रिंकल्स ना हो, वो बिल्कुल स्मूथ हो। और इसके बाद जो है इसे ड्राई होने का वेट करने के लिए मैं अपनी फिंगर में ही हल्का सा मैंने थोड़ी देर के लिए पहन कर छोड़ दिया ताकि वो प्रॉपर राउंड शेप में आ जाए। अब इसकी साइड्स जो हैं जैसे काफ़ी शार्प हो जाती है जब हम एक्रेलिक का कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो इसको जो मैं एमरी बोर्ड की हेल्प से एकदम स्ट्रेट कर लूँगी बिकॉज अनइवन भी ना हो साइड्स और शार्प भी ना हो, कहीं पर चुभने का कोई डर ना हो। इसको स्मूथ करने के बाद जो है जहाँ पर मैंने ज्वाइन किया मैं वहाँ पर जो है वर्क वहाँ से स्टार्ट कर दूँगी करना। और अब इसके बाद जो है मैं इसको डेकोरेट करूँगी कुछ राइनस्टोन्स के साथ। सो राइनस्टोन्स कैसे आपको यूज़ करने हैं मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं इसके लिए जो है तीन तरीके के राइनस्टोन यूज़ कर रही हूँ, लाइक स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़ और एक जो है बड़ा जो है साइज़। अब इसमें जो है मैं पहले पूरे राउंडेड में जो है मैं मीडियम साइज़ लगाऊंगी और जो लास्ट में जगह बच जाएगी उसके ऊपर जो है मैं बड़ा वाला राइनस्टोन लगाऊंगी। और इसकी एप्लीकेशन करने के लिए मैं जो है किसी ग्लू का या किसी जेल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली एक्रेलिक पाउडर का ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होता है और हमारे जो राइनस्टोन होते हैं वो कांच के होते हैं, तो ये इसको बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं तो वो रिमूव होने का कोई चांस नहीं रहता है। और ध्यान रखना आप एप्लीकेशन करते हुए कि आपके जो राइनस्टोन्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लगे, एक ही लाइनिंग में लगे। अगर ऊपर नीचे लगते हैं तो आपको उसको कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में। गाइज़, आई होप आपको मेरी वीडियोस जो है काफ़ी पसंद आ रही होंगी, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। और आप भी ये रिंग चैलेंज लीजिए और ऑनलाइन अपनी वीडियोस डालिए
और प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है @NailDesigner। सो नेल डिज़ाइनर है। और इसके बाद जो है आप मेरे को टैग ज़रूर करना जब आप इसे बना लेंगे, बनाने के बाद। और अब जो है मैं इसमें साइड्स कवर अप कर रही हूँ, आप देख सकते हैं साइड्स में जो है मैं बिल्कुल बहुत ही माइनर सा एक्रेलिक पाउडर ले रही हूँ ताकि वो लिफ्ट ना हो और मेरा प्रोडक्ट जहाँ पे मैं रख रही हूँ वो वहीं पर ही रह रहा है। और बहुत ही फास्ट मोड पे उसके ऊपर राइनस्टोन रखना है साथ के साथ ही स्मॉल साइज़ का। तो इसके लिए जो है मैं टूथपिक का इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरा जेल ब्रश है, थोड़ा सा जेल ब्रश टूथपिक पे लगा देती हूँ जेल, और उसके साथ मेरे छोटे छोटे राइनस्टोन जो है उसे मुझे कैप्चर करना बहुत ईजी हो जाता है। सो गाइज़, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। प्लीज़ अपने जितने भी नेल आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं आप सब उन्हें ये शेयर करके नेल रिंग का चैलेंज दीजिए सभी, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक्रेलिक का वर्क करते हुए आपको जो है काफ़ी पेशेंस रखने हैं, बहुत धीरे धीरे वर्क करना है, बहुत जल्दी से नहीं भागना है। अगर आप जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं तो आपका सारा वर्क जो है स्पॉइल हो जाता है, आपका प्रोडक्ट भी स्पॉइल होता है। आप अपने ब्रश का भी बहुत ध्यान रखिए, जिस ब्रश से आप एक्रेलिक पाउडर मोनोमर यूज़ कर रहे हैं आपके ब्रश में बिल्कुल भी प्रोडक्ट ना रह जाए। तो ये जो हमारी रिंग है वो ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गई है और ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। सो देखते हैं इसकी शाइन कैसी आ रही है। वाओ, दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और पहनने के बाद ये कैसी लगती है, अभी तो मेरे नेल्स नहीं हो रखे हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे ये नेल्स देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं मैंने ये नेल्स कैसे किए और ये राइनस्टोन कैसे अप्लाई किए। सो आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। Okay guys, bye.